गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर सेकेंड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ. यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे वो अभी जो वर्तमान समय में पृथ्वी जैसी है उस स्थिति में कैसे आई, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो जब से ह्यूमन सोसाइटी की शुरुआत हुई है, ह्यूमंस ने इस जो टॉपिक है, यानी ये जो टॉपिक है कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की है. ठीक है, जब शुरुआत में जब लोग अर्थ के बारे में उन्होंने जानना स्टार्ट किया, इस बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो शुरुआत में जो थ्योरीज थी ये माना जाता था कि अर्थ जो है, यानी अपनी जो पृथ्वी है, वो यूनिवर्स के सेंटर में हैं और सारे जो जितने भी स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अर्थ का चक्कर लगाते हैं. ठीक है, फिर धीरे धीरे कोपरनिकस ने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं है, सन जो है वो सेंटर में है और अर्थ और सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी रेवोल्यूशन कर रहे हैं. ठीक है, फिर बहुत सारे विद्वान आए, ज्योग्राफर आए, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी. जो सबसे पहले अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में बताने की कोशिश की थी अपनी हिपोथेसिस के द्वारा, तो वो थे इमैनुअल कांट. इमैनुअल कांट ने अपनी थ्योरी में बताया कि अर्थ का ओरिजिन एक गैसियस क्लाउड से हुआ. शुरुआत में एक गैस का क्लाउड था, ठीक है, वो क्या कर हो रहा था, वो रोटेट हो रहा था. गैस का एक क्लाउड था, वो क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था. रोटेट होते होते उसमें से एक एक करके 9 रिंग्स निकली, और सॉरी 8 रिंग्स निकली, और वो 8 रिंग्स क्या बन गई, 8 प्लैनेट्स बन गई अपनी, जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है वो. और बाद में जो बाकी जो गैसियस क्लाउड बचा था उससे बन गया सूरज. ठीक है, ये हाइपोथेसिस दी थी इमैनुअल कांट ने. बाद में दूसरे एक और ज्योग्राफर आए, लाप्लेस ने इमैनुअल कांट की जो हाइपोथेसिस थी उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए और अपनी हिपोथेसिस यानी नेबुलर हिपोथेसिस पेश की. नेबुलर हिपोथेसिस एज इट इज़, जैसे इमैनुअल कांट थी, उन्होंने भी एक क्लाउड माना जिसको उसने नाम दिया नेबुला. नेबुला घूम रही थी, ठीक है, रोटेट हो रही थी. उन्होंने कहा कि इसमें एक एक करके 9 रिंग्स नहीं निकली. लाप्लेस ने बताया कि इसमें से एक ही रिंग निकली, वो रिंग बाद में 8 प्लैनेट्स में डिवाइड हो गई. मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इमैनुअल कांट ने तो कहा था एक एक करके 8 रिंग्स निकली और वो प्लैनेट्स बनी, और लाप्लेस ने क्या कहा कि एक ही रिंग बाहर निकली और फिर उसी रिंग से क्या हुआ, और है वो जो प्लैनेट बन गए. ठीक है, तो ये जो दो हिपोथेसिस थी इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी थी. इनमें एक बात सेम कही गई थी कि गैसियस क्लाउड था जो रोटेट हो रहा था, उसी से फिर जा रहे प्लैनेट्स और सूरज बने. ठीक है, तीसरे जो ज्योग्राफर थे जिन्होंने अर्थ की ओरिजिन के बारे में बताने की कोशिश की, वो थे चैम्बरलिन और मोल्टन. चैम्बरलिन और मोल्टन ने अपनी हिपोथेसिस दी जिसमें उन्होंने बताया, उन्होंने गैसियस क्लाउड की जगह सूरज यानी जो सन है और एक स्टार के बारे में बात कही. यानी सूरज और एक स्टार, उन दोनों को लेकर उन्होंने एक हिपोथेसिस पेश की कि पुराने टाइम में सूरज जो था उसके पास में से एक स्टार गुजरा. एक बड़ा स्टार था, सूरज से भी काफ़ी बड़ा, ठीक है, वो स्टार जो है सूरज के पास में से गुजरा. ठीक है, जब ये स्टार सूरज के एकदम नज़दीक था तो इस जो स्टार है
उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से सूरज से क्या हुआ? सिगार शेप में एक फिलामेंट अलग हुआ। जब ये पास में था, स्टार सबसे पास में जब आया, तब उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से सूरज से क्या निकला? एक फिलामेंट बाहर निकला। जब तक ये फिलामेंट बाहर निकला, तब तक ये जो स्टार है वो दूर जा चुका था सूरज से। तो ये जो फिलामेंट था, ने तो स्टार के साथ जा सका और न ही सूरज में वापस मिल सका। तो ये क्या होने लगा? ये सूरज के चारों ओर रोटेट रेवोल्यूशन करने लगा, ठीक है, परिक्रमा करने लगा। और रेवोल्यूशन होते होते इसी से जो है बाद में ये ठंडा होकर क्या बन गए? 8 planets बन गए, ठीक है। ये थी चैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी, जिसे जेम्स जिन और जेफरी ने भी समर्थन दिया। उन्होंने भी कहा कि ये चैम्बरलिन और मोल्टन ने जो कहा वो सही है। उन्होंने भी दो एक तारे की बात कही कि एक तारा जो है सूरज के पास में से गुजरा और इसी से जो है फिलामेंट अलग हुए और बाद में वो प्लैनेट्स बने। नेक्स्ट आते हैं ओटो स्मिट। ओटो स्मिट ने कहा जो सूरज है उसके चारों ओर गैस का बादल था। सूरज के चारों ओर क्या था? गैस का बादल था, जो सूरज के चारों ओर रोटेट हो रेवोल्यूशन कर रहा था, चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। तो चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ? ये जो गैसियस क्लाउड था ये बना था हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से। इनमें तीन पार्टिकल जो मेन थे, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट, तो इनके जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या हुआ? टकराव हुआ। टकराव होने से क्या हुआ? धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स थे वो गर्म होना स्टार्ट हुए। गर्म होकर ये एक दूसरे पर चिपकने लगे। चिपकते चिपकते ये सारे क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए। तो ये तो थी अर्लियर हिपोथेसिस जो अलग अलग विद्वानों ने दी थी, ठीक है। शुरू की जो चार हिपोथेसिस है, जिसमें दो में तो क्लाउड के बारे में, गैसियस क्लाउड के बारे में बताया गया है, और बाकी दो है उसमें सन और एक स्टार के बारे में बताया गया है। तो इन हिपोथेसिस को बोलते हैं बाइनरी हिपोथेसिस, ठीक है। फिर ओटो स्मिट ने अपनी थ्योरी दी, ठीक है। तो ये सारी जो थ्योरीज थी ये अर्थ के ओरिजिन में अर्लियर हिपोथेसिस है। जो अभी लेटेस्ट में हिपोथेसिस जो सबसे ज़्यादा अभी सही मानी जाती है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी नेक्स्ट जो हिपोथेसिस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये जो अर्लियर हिपोथेसिस थी उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम तक नहीं चली। उसमें जैसे कांट वाली हिपोथेसिस थी, उनमें क्या हुआ कि कुछ ना कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करते करते जो अभी के टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे मानी जाने वाली हिपोथेसिस है यानी जो सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है वह हिपोथेसिस है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हिपोथेसिस। बिग बैंग थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हिपोथेसिस। अब इस नाम से, ये जो नाम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इसका मतलब है कि अपनी जो यूनिवर्स है वो क्या है? फैल रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो ये जो थ्योरी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो एडविन हब्बल ने, ठीक है, एडविन हब्बल ने जब टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि अपनी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, एक्सपेंड हो रही है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर हो रही है। अब
इस चीज़ को उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल या एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताने की कोशिश की कि एक बैलून ले लिया, ठीक है, जिसमें अभी हवा नहीं भरी गई है, एक बैलून लिया जिसमें हवा नहीं भरी गई है, ठीक है, उस बैलून में कुछ मार्क्स कर दिए, उस बैलून में कुछ मार्क्स कर दिए। अब क्या किया, उस बैलून में हवा भरी, तो जैसे जैसे हवा भरेंगे उस बैलून में जो मार्क्स हैं, जो निशान किए गए हैं, जैसे जैसे इसमें हवा भरती जाएगी वो मार्क्स क्या होते जाएंगे, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने बताया कि सेम ऐसे के ऐसे जो अपनी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर हो रही है, ठीक है, तो इसी से बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत हुई और इसी को लेकर बिग बैंग थ्योरी दी गई है। बिग बैंग थ्योरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, बिग बैंग, बिग बैंग का मतलब होता है बड़ा विस्फोट, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आज से 14 अरब वर्ष पहले, आज से 14 अरब वर्ष पहले क्या था कि 14 अरब मीन्स 14 बिलियन, 14 बिलियन ईयर्स पहले जो पूरी की पूरी यूनिवर्स थी वो एक टाइनी बॉल की शेप में थी। किसकी शेप में थी, एक टाइनी बॉल, टाइनी बॉल यानी एक सिंगुलर एटम की शेप में थी। उस एटम का जो था वॉल्यूम था वो बहुत ही कम था, ठीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर और डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, यानी इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट टेम्परेचर था, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या था, कम था। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, इस टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ यानी विस्फोट हुआ। विस्फोट होते ही, विस्फोट के कुछ ही सेकंड में ये जो टाइनी बॉल थी ये बहुत बड़े एरिया में क्या हो गई, फैल गई, ठीक है। जैसे बम विस्फोट होता है, विस्फोट होते ही उसके जो छर्रे होते हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं, वैसे के वैसे ही ये जो टाइनी बॉल थी, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स थे वो अलग अलग पूरी की पूरी मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गए कुछ ही सेकंड में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ 300,000 साल, 300,000 ईयर्स, 300,000 ईयर्स के बाद ये जो पूरा मटेरियल फैला हुआ था उसका टेम्परेचर है वो बहुत कम हो गया। कम होते होने से क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो विस्फोट हुआ था उसका जो सारा मटेरियल था, ठीक है, उस मटेरियल में जो छोटे एटम्स थे वो बड़े एटम्स से अट्रैक्ट होने लगे, ठीक है, और अट्रैक्ट होते होते अपने जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज है, वो सारी की सारी बनी, ठीक है। अब इस थ्योरी में ओनली अर्थ के एवोल्यूशन सॉरी ओरिजिन के बारे में नहीं बताया गया है, इस थ्योरी में पूरी की पूरी अपनी ये जो यूनिवर्स है उसके ओरिजिन के बारे में बताया गया है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यूनिवर्स का ओरिजिन अपने को पता चल गया तो अपने को अर्थ का ओरिजिन भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने चैप्टर में है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टार मतलब जो स्टार है यानी तारे हैं, आपको पता है अपनी जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, अपना जो सन है वो भी एक क्या है, स्टार है। तो ये जो स्टार है वो कैसे बने, तो स्टार की फॉर्मेशन के बारे में कहा जाता है कि जब जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके 300,000 साल बाद में जब इन मटेरियल्स का टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो डाउन होने से क्या हुआ, जितना भी ये जो मटेरियल था वो क्लाउड के रूप में था, इस क्लाउड में क्या थे, लम्स पड़े, इस क्लाउड में क्या थे, लम्स, लम्स मीन्स गांठ, लम्स, जब लम्स जो थे वो क्या थी, गांठे थी। जब ये विस्फोट हुआ तब उसमें क्या हुआ, कुछ तो बड़े पार्टिकल रह गए और कुछ पार्टिकल छोटे, तो बड़े पार्टिकल्स के जो लम्स थे, ठीक है,
ये ठंडे होकर क्या बन गए? स्टार्स बन गए। जो भी लम्स थे वो बाद में ठंडे होकर क्या बने? स्टार बने। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अपनी अर्थ कैसे बनी है और अर्थ के जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने। तो ये जो क्लाउड था इसमें जो लम्स थे, लम्स तो क्या बन गए? स्टार। अब इस लम्स के चारों ओर, लम्स के चारों ओर जो भी मटेरियल था, ठीक है, उनमें से क्या हुआ, धीरे धीरे ये जब ठंडा हुआ तो इनसे क्या बन गए? प्लैनेट्स। मतलब जो इस क्लाउड में, यानी जो मटेरियल का क्लाउड था पूरा जो सर जगह फैला हुआ था, ठीक है, उसमें जो लम्स थे उनसे तो बन गए स्टार, इनसे क्या बन गए? स्टार, ठीक है। और इन लम्स के चारों ओर जो मटेरियल बचा था ये क्या बन गए? प्लैनेट्स। जैसे सूरज है, उसके चारों ओर अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सूरज के चारों ओर क्या है? प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सूरज क्या है? एक स्टार है। तो वैसे ही ये क्या बन गया? ये जो लम्स थी यानी गांठें थी वो तो बन गई स्टार, और इसके चारों ओर जो मटेरियल बचा था वो जब ठंडा हुआ और इसके पार्टिकल में क्या हुआ, जो बड़े पार्टिकल से उन्होंने छोटे पार्टिकल को अपनी ओर खींचना स्टार्ट किया, और ये दोनों, ये जो मटेरियल था वो आपस में चिपक गया और इनसे क्या बन गए? सारे प्लैनेट्स बन गए। तो ये तो था हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कांट की हाइपोथेसिस। कांट ने बताया था कि गैसियस क्लाउड था, ठीक है, गैसियस क्लाउड, वो अपनी जगह पर क्या हो रहा था? घूम रहा था, घूमते घूमते उसमें से एक एक करके 9 रिंग्स बाहर निकली, ठीक है, और उनसे क्या बने? सारे प्लैनेट्स बने, ठीक है। फिर लाप्लेस आए, लाप्लेस ने क्या बताया कि एक एक, वो सेम हाइपोथेसिस उन्होंने इस चीज़ को ही क्या किया, जो कांट की हाइपोथेसिस थी उसको ही अपडेट किया, उसमें जो गलतियाँ थी उनको सुधार कर अपनी हाइपोथेसिस दी, और जो लाप्लेस की हाइपोथेसिस थी उसका नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस में लाप्लेस ने बताया कि जो एक गैसियस क्लाउड था जो घूम रहा था उसमें से एक रिंग बाहर निकली, ठीक है, और उस रिंग में से ही, जो एक रिंग बाहर निकली उस रिंग में से ही क्या हुआ, अलग अलग जो प्लैनेट्स है वो उनकी रिंग्स बाहर निकली, 8 रिंग बाहर निकली, और वो क्या बन गए? सारे प्लैनेट्स बन गए। और जो बीच में बचा वो क्या बन गया? सन, सूरज। फिर चैम्बरलिन और मॉल्टन, ठीक है, और हेराल्ड और जेफरी, इन चारों ने बताया, ठीक है, कि सन है जो अब जब यंग एज में था, यानी अर्लियर टाइम में जब सन है वो आज के जैसे नहीं था, तब इसके पास में से क्या हुआ, जो सन है उसके पास में से एक स्टार निकला। तो स्टार जब सन के एकदम पास में था, ठीक है, तो उस टाइम सन में से क्या हुआ, एक फिलामेंट बाहर निकला। जब तक वो फिलामेंट उस स्टार के पास जाता तब तक वो स्टार आगे चला गया, ठीक है, तो जो फिलामेंट था वो वहीं रह गया और सन के चारों ओर रिवॉल्व होने लगा, ठीक है। इससे फिलामेंट के बाद में ठंडा होने से प्लैनेट्स बने, ये किसने कहा था? चैम्बरलिन और मॉल्टन ने, और हेराल्ड जेफरी ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था कि ये सही है। फिर ऑटो स्मिड ने अपनी हाइपोथेसिस दी, उन्होंने बताया कि जो सन है उसके चारों ओर गैसियस क्लाउड था, ठीक है, जो रिवॉल्व हो रहा था, उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें जो मटेरियल था वो आपस में चिपक कर क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। फिर आई बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब एडविन हब्बल ने कहा था कि जो गैलेक्सीज है, जो अपनी यूनिवर्स है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, और जो गैलेक्सीज है एक दूसरे से दूर जा रही है,
जिसको उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के बेलून वाले एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो बलून है जब उसमें हवा नहीं भरी हो तब उसमें कुछ मार्क्स लगा दो, फिर उसमें हवा भरो, तो हवा भरने से क्या होगा, धीरे धीरे जो मार्क्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते रहेंगे। इन मार्क्स को उन्होंने क्या माना, गैलेक्सीज माना। तो जैसे जैसे बलून में वो मार्क्स अलग हो रहे हैं वैसे के वैसे क्या हो रही है, गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर हुई है, दूर हो रही है, और वो आज भी हो रही है। ठीक है, फिर आया फॉर्मेशन ऑफ स्टार। जब बड़ा विस्फोट हुआ टाइनी बॉल में, जब शुरुआत में यूनिवर्स जो है टाइनी बॉल्स के रूप में थी, यानी एक सिंगुलर एटम के रूप में थी, उसमें जब विस्फोट हुआ तो उससे जो मटेरियल निकला वही मटेरियल बाद में ठंडा होकर जिस जो लम्स थी वो तो बन गए स्टार, और लम्स के चारों ओर जो मटेरियल बचा हुआ था वो आपस में चिपक कर क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, तो इस तरह अर्थ का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। ठीक है, बाकी हम इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास